इनको आपने ना जाने कितनी सारी फिल्मों में देखा होगा, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, जज, अंकल, पिताजी, चाचा, ऐसे तमाम किरदार पर इन्होंने चार चांद लगा दिए थे। यहाँ तक कुछ फिल्मों में तो उन्होंने खलनायक वाले किरदार निभाए थे। ऐसे ही महान कलाकार की बदौलत फिल्म जगत का एक मजबूत ढांचा बना है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो पर आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज। आज कहानी सुनाएंगे पुराने दौर के महान अभिनेता गजानन जागीरदार की। हरफन मौला कलाकार गजानन जागीरदार को आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा। उनकी एक्टिंग के प्रशंसक आज भी मिल जाते हैं। फिल्म मेकिंग का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने काम ना किया था। लेखक, गीतकार, डायरेक्टर, नाटककार और यहाँ तक वे कलाकारों को डायलॉग डिलीवरी करने का सही अंदाज भी सिखाते थे। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तब गजानन जागीरदार ने वी शांताराम और पिराड़कर जैसे फिल्मकारों के साथ मिलकर मराठी फिल्म जगत को सातवें आसमान पर जाकर रख दिया था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गजानन जागीरदार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिल्म जगत में फ्रीलांस सिस्टम शुरू किया था। वे एजुकेशनल लेवल पर इतने आगे थे कि उस दौर में उनके इतना होशियार व्यक्ति कोई नहीं था। गजानन जागीरदार का जन्म 2 अप्रैल 1907 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि गजानन शिक्षक बने। शुरू शुरू में तो गजानन मन लगाकर पढ़ाई करते थे, पर जैसे जैसे वे रंगमंच की तरफ बढ़ते गए उनका पढ़ाई से मन उठने लगा। पर फिर भी उन्होंने डिग्री तक पढ़ाई कर ली थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में गजानन रंगमंच पर हमेशा छाए हुए थे। उनकी कलात्मक अभिनय देखकर चारों ओर से उनकी तारीफ होती थी। इसलिए 1924 के जमाने में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ अरुण प्लेयर नामक थिएटर ग्रुप शुरू किया। वे उस दौर के महान लेखकों के नाटक अलग अलग शहर में जाकर पेश करते थे। इस काम से गजानन सिर्फ खुद का पेट भर पाते थे और घर वालों की मर्जी के बिना यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। 1928 के साल में उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म द पेट्रियट देखी हुई थी। उस फिल्म के कारण उन पर अभिनेता बनने का भूत सवार हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गजानन को कभी लीड एक्टर बनने का मौका मिला ही नहीं। उस दौर में फिल्म जगत की राजधानी कोल्हापुर हुआ करती थी। बड़े बड़े स्टूडियोज और फिल्म शूटिंग के लिए कोल्हापुर का नाम लिया जाता था। गजानन को भी वहां जाने की बड़ी इच्छा होती थी, पर वे अपने थिएटर ग्रुप को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। 1930 के जमाने में गांधी जी ने दांडी यात्रा अभियान शुरू किया था। उस मोर्चे में गजानन जागीरदार अपने परिवार के खिलाफ जाकर शामिल हो गए। इस हरकत को देखकर एक रिश्तेदार ने उन्हें कोल्हापुर के एक स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दी। इस काम के लिए गजानन ने इनकार किया नहीं, बल्कि वे खुशी खुशी कोल्हापुर बस गए। इतना बड़ा समय गुजरने के बाद भी गजानन खुद को फिल्मों से दूर रख नहीं पाए, इसलिए प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने के लिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी। बनना तो उन्हें एक्टर था, पर सीधे सीधे वे स्टूडियो जा नहीं सकते थे, इसलिए वे प्रभात कंपनी में ट्रांसलेटर का काम करने लगे थे। उस दौर में मराठी फिल्में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज होती थी। उन मराठी फिल्मों को ट्रांसलेट करने का काम गजानन करते थे। उन्हें तो इंग्लिश के साथ उर्दू और हिंदी का भी ज्ञान था। एक दिन महान फिल्मकार वी शांताराम ने उनसे मुलाकात की और अपने साथ काम करने को राजी कर लिया। आपको बता दूं कि गजानन ने प्रभात फिल्म कंपनी में 2 साल तक काम किया। ट्रांसलेटर का काम करते करते वे कब एक्टिंग करने लगे ये उन्हें भी पता नहीं चला। शुरू शुरू में तो वे कलाकारों को डायलॉग डिलीवरी करने की ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद वे खुद एक्टिंग करने लगे। इन 2 सालों में गजानन के जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। सबसे बड़ी मुश्किल पैसों की थी। बतौर टीचर वे अच्छा खासा कमा रहे थे, पर फिल्मों में काम करने के बाद वे आर्थिक तंगी का सामना करने लगे थे। एक दिन तंग आकर उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी के मालिक बाबू राव को खत लिखकर जानकारी दी
कि वे गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। पेरारकर साहब ने उन्हें जवाब दिया कि कम पगार के कारण जॉब छोड़ रहे हो, ये फैसला गलत है। पेरारकर साहब ने उन्हें प्रभात फिल्म स्टूडियो में रहकर बाकी काम सीखने को प्रोत्साहित किया। इसी कारण से गजानन एक ट्रांसलेटर से फिल्म आर्टिस्ट बन गए। सीखने की प्रतिभा से प्रेरित होकर ही शांताराम साहब ने उन्हें अपने टीम का हिस्सा बना लिया। 1932 में शांताराम साहब की जल्दी निशानी फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म में गजानन ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। ऐसे में एक कलाकार को उर्दू लाइन बोलने में दिक्कत आ रही थी, तो शांताराम साहब ने गजानन से वो किरदार करवाया। उसके बाद गजानन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे सोहराब मोदी साहब की कंपनी मिवरवा मूवीटन के लिए काम करने लगे। सोहराब मोदी की 1938 की फिल्म मीठा जहर खुद गजानन जागीरदार ने लिखी थी। आपको ये भी बात बता दूं कि जरूरत पड़ने पर वे गीत भी लिख लेते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि असली सफलता पाने के लिए गजानन को 14 साल का बड़ा इंतजार करना पड़ा। 1940 की सुपरहिट फिल्म राम शास्त्री में गजानन ने टाइटल किरदार निभाया था। इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाए। 1950 के बाद तो गजानन सिर्फ चरित्र किरदार निभाते थे। छोटे बड़े किरदार करके उनकी भूख मिट जाती थी, परंतु असली काम तो उन्होंने 1950 से पहले ही कर लिया था। आज भी मराठी फिल्म इतिहास का इतिहास लिखा जाता है तो गजानन जागीरदार का नाम जरूर याद किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि गजानन जागीरदार FTII के पहले प्रिंसिपल रह चुके थे। उनकी पारिवारिक जानकारी और जन्म मृत्यु की तिथि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको गजानन जागीरदार की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।